गाइस आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में और एक गंदा आदमी मेरे साथ आज ब्लॉग में नूरपुर से आया गंदा आदमी है शकलदास माई जो है मास्क हटा गंदी शकलदास अपनी सैलून जा रहा है मेरे साथ राम ज्यादा कैमरा मैन बनाना है मैंने ये इसकी गंदी शकल है इसको अब जानवर से इंसान बनाएंगे सैलून में चप्पल से कटिंग करवाएंगे इसकी बच्चा मौसम बड़ा गंदा हो गया मगर अभी जाना हम चल पड़े ये हाल है हमारे ओ कर और या और जेंटल कर मां बीच अजीब फोटो चढ़ा समझाओ इसे समझा ये हमारे बालों के हाल है और कटी के बाल होता है ना क्या हाल होंगे इसके हाल है ये डर रहा है बंदा और ये आ गया हमारे सैलून यहां पे संगम होटल के सामने मालूम है तेरे बाप को मत कह ये सैलून दूसरे सैलून में कटाएंगे इसकी बेड वॉर ऊपर जो नैन मेडिकल स्टोर के ऊपर है गाइस उसके पास जाएंगे उधर जाएंगे हम इसके बाल कटाने मंडी के अंदर चले और सामने ठुल्ला ठुल्ले की भर्ती अभी कल दी मैंने कहा यहाँ पे हमें ठुल्ला मिल चुका है और ये भी बहुत बुजुर्ग उम्र के है और ये ऊपर सैलून खुला होना है कि नहीं भाई जी सैलून में भीड़ है जिस कारण क्योंकि हमें जल्दी जल्दी लगी है तो हम तीसरी दुकान पे जाएंगे स्माइल हेयर सैलून जहाँ पे जिस दुकान का पहले ब्लॉग आया मेरे चैनल पे जहाँ पे आदि ने बाल कटाए थे और ये बस स्टैंड हम घुस चुके हैं हम जा रहे थे स्माइल हेयर सैलून के पास चलो वहाँ मिलते हैं स्माइल हेयर सैलून में और उसके घर वालों का फ़ोन आ गया भाई घर आ पर हम तो भी इसके ज़बरदस्ती चप्पल मार मार के बाल कटाएंगे और ये दुकान के ओनर भाई तो आ गया गंदा आदमी बाल कटाने तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नहीं मंगवाया रहा अगर सिमा ना करा ना तो थोड़े दिन रुकी है फिर है ना अपने इकट्ठा कर लेना इतना कर हां तेरा 20,000 रुपया कर लेना इकट्ठा ये क्या है आज जुड़ देर इंसान वाली कटिंग जानवर वाली कटिंग करानी फिर लग रहा इंसान बस गेम मजी रहा और यार ही गया करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी चाह रहा हूँ यार कुछ उखाड़ ले यार जिंदगी में कुछ कर ले हैं बाय